तो मैं गौरों को देखता हूँ या हिंदुओं को देखता हूँ ना तो मतलब काफी अच्छे लोग मुझे लगते हैं काफी खूबसूरत भी है, जीनियस भी हैं हैं जीनियस काफी पढ़े लिखे भी हैं लेकिन जब मैं ये सोचता हूँ ज़हन्नम में जाना है तो उनका सिर्फ में भेजने के लिए किया मेन सबसे ज्यादा मुझे जो चीज तंग करती है ना और मैं काफी परेशान रहता हूँ इस चीज को सोच सोच के तो इस वजह से मुझे किया है क्योंकि वो इस्लाम को नहीं मानते वो काफिर है तो फिर उस पे अल्लाह ताला का इल्जाम अल्लाह ताला पे इल्जाम कहाँ से आ गया इसमें देखिए ना वो आ, पैदा ही काफिर घर में हुए हैं उनको इस्लाम का को कोई आइडिया नहीं है नहीं, नहीं इस, इस पे ऐसा नहीं है देखिए इस वक्त एक चीज आप जहन में रखें ये ग़लबन सूरह अल में है अगर मुझे ठीक याद आ रहा है कि अल्लाह ताला ने लोगों को उनके नॉलेज की बेस पे सॉरी अब्दुल्ला खुद को म्यूट करेंगे आपकी आवाज वापस आ रही है सॉरी मेरी आवाज आपकी तरफ से वापस आ रही है सॉरी कि अल्लाह ताला लोगों को उनके नॉलेज के मुताबिक उनका हिसाब लेंगे यानी कि जिन्होंने कभी किसी नबी को नहीं देखा से देखा मतलब कि किसी नबी का पैगाम नहीं पहुंचा वैसे तो हमने भी नहीं देखा हुआ किसी नबी का पैगाम नहीं पहुंचा किसी शरीयत में नहीं रहे तो उनसे क्यामत के दिन भी जो है ना वो अल्लाह ताली उनके नॉलेज के मुताबिक पूछेंगे कि जो तुम्हें तुम्हारे अंदर एक इलम वदीयत किया गया था उसके मुताबिक तुम बात बताओ अब जो बात वेस्ट की है बाकी लोगों की है जितना इस्लामोफोबिया फ़ोबिया वहाँ पर मौजूद है जितना वहाँ पर एक लोग टाइम निकाल के इस्लाम के ख़िलाफ़ रिसर्च करते हैं इस्लाम के खिलाफ बहाने ढूंढते हैं गालियाँ देते हैं उनके पास कोई एक्सक्यूज़ नहीं है दे हैव नो एक्सक्यूज़ बिकॉज दे नो के इस्लाम क्या है दे नो के इस्लाम का पैगाम क्या है दे नो के उनका भी मज़हब इस्लाम ही है जैसे हमारा है लेकिन वो डिविएट हो गए हैं उससे वो भी अगर अपने बाइबल पे चले जाएं तो वो भी मुसलमान हो जाएंगे उसके जो जनडस्टोशन उसमें करें पीछे जो उसमें मैसेज है वो वही है जो इस्लाम का है लेकिन उनमें से वो लोग जिन्हें इस्लाम का नहीं पता जिन्हें पता नहीं है कि अल्लाह ताला का वो यानी कि पैगाम नहीं पहुंचा आसान अल्फाज में उनके लिए नहीं है कि वो दोज़ख़ में जाएंगे उनके लिए जो चीज़ उनको पता है जो नॉलेज दिया गया है उसी चीज़ का हिसाब होगा तो अब जिसको अब आप ख़ुद बताएँ कि जिसको पता है इसके बावजूद वो चूज़ करता है कि वो रिवोल्ट करे अल्लाह ताली के ख़िलाफ़ उसको अगर दोज़ख की सज़ा मिलती है वैर एग्जैक्टली इज़ रॉन्ग विद दैट लेकिन सर मेरे ख्याल से अगर किसी को पूरा यकीन है कि अल्लाह ताला नई कायनात बनाई है और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ही आखिरी नबी हैं तो कोई कैसे जहन्नम को एक्सेप्ट कर सकता है सर ये बात तो मुझे बिल्कुल नहीं समझ में आती कि देखें अब एक बंदा है जैसे सर जी सर मैं समझा नहीं कैसे जहन्नम को वो एक्सेप्ट कर सकता है देखें अब आप ये कह रहे हैं ना कि एक बंदे तक इस्लाम का पैगाम पहुंचा है और उसने फिर भी उसको एक्सेप्ट नहीं किया तो पहले नंबर पे तो सर उसको इस्लाम में कोई ऐसी चीज़ नजर आएगी जो बाकी मजाब में नहीं है तो फिर वो उसको एक्सेप्ट करेगा और so? सेकेंडली सर बात ये आती है कि उसको चलने कोई ऐसी बात आ भी गई है नज़र तो नहीं नजर नहीं आई सर उसको और वो नहीं एक्सेप्ट कर पाया उस बात को उसको ये बात है जमीनी हो रही। उसको कहते उसको लगता कि है कि ये बातें और मज़ाहब में भी हैं इस्लाम में कोई ऐसी स्पेशल चीज़ नहीं है hmm. तो वो इस्लाम को स्पेसिफिकली क्यों एक्सेप्ट करेगा और कोई मतलब अगर किसी को नजर आ गया कि इस्लाम ही सच्चा मतलब है तो कोई वो जहन्नम में जाना पसंद करेगा तो डेफिनेटली बात है कि वो वो इस्लाम को लाजमी एक्सेप्ट करेगा चाहे क्यों ना हो नहीं उन्हीं की बात हो रही है ना अब देखें जैसे हार सुल्तान है ना हारे सुल्तान, मैं डिसाइड नहीं कर सकता कि हार सुल्तान दो में जाएगा या नहीं जाएगा मरते वक्त भी इंसान इन, को ईमान नसीब हो सकता है लोग बदल जाते हैं सो आई डोंट विश के उसके साथ ऐसा हो लेकिन हार सुल्तान अगर मिसाल के तौर पर हार सुल्तान ने इस्लाम के खिलाफ एक किताब लिखी जिसमें उसने असमा बिनते मरवान जैसे झूठे वाक़ भी लिख दिए साफ साफ झूठ की नहीं कोई ताल्लुक ही नहीं है लेकिन उसने इस्लाम के ख़िलाफ़ इस्लाम को एक गलत मजहब करने के लिए टाइम लगाया तहकीक की उसको पता होना चाहिए था कि सच क्या है झूठ क्या है और इस उस वक्त भी अगर इंसान कहे कि चलो उस, शायद उसे सचा वाक्य ना पता चला हो अब तो वो हमारी स्ट्रीम्स भी देखता है वैसे रिसर्चर के पास यहाँ होना नहीं चाहिए लेकिन चले फिर भी हम कह देते हैं ठीक है, है ना शायद पता चला हो अब तो उसे पता है अगर अभी वो विड्रॉ नहीं करता वो बात को और इंसिस्ट कर रहा है कि ये जो झूठ है ये बिल्कुल मैं ठीक लिख रहा हूँ और वो अल्लाह के नबी पर झूठ बांध रहा है और उसकी किताब झूठों से भरी पड़ी हुई है तो क्या उसके पास भी ये हक़ है कि वो अल्लाह ताला को कहे कि नहीं मैंने जानबूझ के तेरा दीन भी नहीं माना तेरे दीन से मैंने लोग भी दूर किए मैंने झूठ भी बोला तेरे दीन पे बहुतान बांधे मैंने साइंस को ना समझते हुए भी उसको यूज़ किया तुम्हारे दीन के ख़िलाफ़ लेकिन तू मुझे दो में नहीं डाल सकता डज हैव राइट टू दैट सर uh, लेकिन चले देखें उनकी काफी बातें काम करें आप हारो सुल्तान से कहें कि जो बाकी छोड़े नहीं सिर्फ इसमा बंदे मेहरबान हम कर लेते हैं कि यह वाकया झूठा है जो तुमने अपनी है इट्स अब देखें उसका क्या जवाब होता है अगर वो कहता है कि ठीक है मैं विड्रॉ कर लेता हूँ और इस्लाम को जैन में पढ़ने की कोशिश करता हूँ और उसको इस्लाम का पता भी है और ये हो नहीं सकता कि आदमी को इस्लाम का पता इस्लाम जैनली इस्लाम को पढ़े और उसके दिल में ख़्याल आए ना क्योंकि, क्योंकि कुरान में ये चीज़ सुर जमर में बड़े तौर तरीके से लिखी हुई है कि वो आदमी जो कौला झूठा होता है और अमला काफ़र होता है उसके लिए हिदायत का रास्ता बंद हो जाता है इंसान की ज़िंदगी में दो ही चीज़ें होती हैं कौल होता है और अमल होता है कॉलन झूठा का मतलब यह है कि वो आदमी जो ऑन पर्पज़ झूठ बोलता है जिसके पास गलत इन्फॉर्मेशन है उसकी बात हम नहीं कर रहे क्योंकि झूठा वो होता है जिसको सच का पता होता है और एतकादन काफर का मतलब यह है कि अमली तौर पर वो आदमी जो छुपाता है काफर होता ही वो है जो हक बात को छुपाता है तो अल्लाह तह रहे कि तुम सच को छुपाओगे अपनी गुफ्त में और अपने अमल में जान बूझ के कुफर अख्तियार करोगे तो तुम्हारे लिए हिदायत का रास्ता बंद हो गया दोनों में से कोई एक दरवाजा भी अगर खुला रखो ना तो हिदायत का रास्ता फिर भी है आप हार से जाके इसी वाकई का पूछ लें कि तुमने इतना झूठा वाक्य क्यों लिखा है और अगर उसका जवाब यह है कि नहीं मुझे पता नहीं था तो आप पता चल गया तो क्या तुम पब्लिकली होने और ना ही मेरी आज तक उनसे कभी बात हुई है कर आँ... रहे हैं ना मैं इसलिए कह रहा हूँ सिर्फ हारो सुल्तान का भी जिक्र करूं कि आपने किया किसी की भी कोई भी ऐसा हो इनमें से कोई भी इनमें से ऐसा हो कि को आपने आपने आपे आपे आप, पढ़ते हैं। आप जब पहली दफा आप आए थे उनकी बस की को को कोई नहीं पता इस्लाम का पता नहीं इस्लाम को भी कहता है ना इस्लाम को भी कहता है कि ये ईबल रिलीजन है ये गलत है ऐसा है वैसा है लेकिन जब जब भी पूछा गया कि इस्लाम के बारे में तुम कितना जानते हो तो आगे से कहता है नहीं मैं नहीं जानता अब ऐसे आदमी को मैं क्या करूँ कि वो मुझे गाली दे रहा है मुझे दहशत गर्द कह रहा है इस्लाम सच्चा मजहब है और इतने के कोई कैसे उसके अगेंस्ट खड़ा हो सकता है मुझे नहीं लगता हार सुल्तान जान के इस्लाम के अगेंस्ट जा रहा होगा उसका ईमान ही नहीं आता इन चीज़ों पर अगर तो उसका जनवल ईमान नहीं आता उसका दिमाग ही इस तरह बनाया अल्लाह ने कि उसको उसके बाद दिमाग में बात ही नहीं बैठती वो जर्म में जाएगा नो नो अल्लाह ताला ने ऐसा दिमाग नहीं बनाया कि तो बात जाए ना ये अल्लाह से आप तो वो को नहीं कर सकते अगर आप अल्लाह की मानते हैं ना तो फिर अल्लाह को मानते हैं अल्लाह की माननी पड़ेगी सर आप कह सकते हैं कि वो जान के नहीं, नहीं। मेरी यार सुने ना आप ताला का कह रहे हैं अल्लाह ताला ने दिमाग बनाया सूरह शम्स के आखिरी हिस्से में अल्लाह ताला ने बड़े वाजे तरीके से बताया है कि बल्कि मैं इस मौके का मैं इस अपॉर्चुनिटी को यूज़ करते हुए किसी एक स्ट्रीम में मेरे मुंह से शायद सूरज दहा निकल गया तो मैं वो भी करैक्शन करना चाहता हूँ यह सुरह शम्स है कि सुरः शम्स की आखिरी आयात में अल्लाह तला ने बड़े वाज तरीके से कहा है कि अच्छे और बुरे ख्याल आते हैं इंसान पर कामयाब वही होता है जो अच्छे ख़्याल को पकड़ता है और ना मुराद वो होता है जो बुरे ख़्यालत को पकड़ता है भारत सुल्तान को अच्छा भी पता है बुरा भी पता है हारत सुल्तान से इस्लाम छुपा हुआ नहीं है लेकिन मसला यह है कि जब भारत सुल्तान लोगों से झूठ बोलता है बताता है कि देखो उसमें लोंडी है उसमें ये है वो है ये जानते हुए कि इस्लाम ने एक प्रोग्रेसिव फ्रेमवर्क दिया जिसमें इस्लाम ने गुलामी को ख़त्म किया उसको एम्प्लॉयमेंट राइट्स में कन्वर्ट किया अब अगर उसे उसे एक आदमी को बात पता है

अल्लाह ताली ने तो उसमें भी सहूलत दी है लो की प्रजम्पन्स होती हैं एक प्रजम्पशन उसमें यह होती है कि इग्नोरेंस इज़ नो डिफेंस इग्नोरेंस इट सेल्फ इज़ नो डिफेंस कि जो इग्नोरेंस होती है ना ये डिफेंस नहीं होता लेकिन अल्लाह तल ने तो ये भी सहूलत दी हुई है कि जो इग्नोरेंस है उसको भी डिफेंस दे दिया कि जिस आदमी को टोटल नहीं पता था लेकिन एक आदमी अम्बिया को गलियाँ दे रहा हो दीन का मजाक बनाने वालों के साथ वो मिलकर हंस रहा हो और उसको फिर इस चीज़ का भी पता है कि शायद जन्नत और दोजख है अब देखें एक एक आदमी है ना उसको विलफुली एक चीज़ का पता है माफ़ी चाहूँगा एक चीज़ का पता है वो विलफुली उसको डिनाई कर रहा है और वो ये बात में कहे कि नहीं यार मुझे पता नहीं था आपके पास ये एक्सक्यूज़ नहीं है बिकॉज़ यू कैन फाइंड टाइम यानी हर सुल्तान पूरी किताब इस्लाम के खिलाफ लिख दी जितने झूठे वाक़ इकट्ठे करके इधर उधर से वो उसमें लिख दी कितना उसके पास टाइम है डैनियल डैनल डिबेट हुई है उसने फिक फिक के के बारे बारे में में पूछा तो आगे से कहता है मैंने फिक के बारे में कुछ पड़े हुए हैं ये इंटेलेक्चुअल डिसऑनेस्टी है कि जिस चीज के आप इतने उस नफरत में चले गए हैं कि उसको गलत साबित करने के लिए पूरी किताब लिख देते हैं झूठों से भरी हुई लेकिन उसको समझने के लिए जब बात आती है तो आपने क्या पढ़ा हुआ है कुछ पम्फ्लेट्स ये यहां से बदली सामने आती है तो मैं हरत सुल्तान के बेस पर फैसला नहीं फैसला नहीं कर सकता मेरी दुआ है हारत सुल्तान को अल्लाह ताला ईमान रसीब करे मेरी दुआ है अल्लाह ताला उसका अगला जहां बहुत अच्छा करे हम सब का अगला जहां अच्छा करे लेकिन ये जो आप बातें कर रहे हैं ये कोई काबले दिफा बातें नहीं हैं मतलब ये इतने 2011 तक यूके में एक लाख से ज़्यादा वहाँ का वाइट ब्रिटिश बंदा जो मुसलमान हो चुका था इस वक्त भी वहाँ पे शयूख मौजूद हैं शेख मौजूद हैं वाइट ब्रिटिश लोग जो दुनिया को इस्लाम की तरफ लेके आ रहे हैं वो रिसर्च करते हैं पढ़ते हैं देखते हैं बहुत से लोग हैं ऐसे भी वो उडच पी जो हैं वो इस्लाम के खिलाफ मवाद इकट्ठा कर रहे थे किताब लिखने के लिए लेकिन इस्लाम के खिलाफ मवाद इकट्ठा करते 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 वो मुसलमान हो गए इस ईमानदारी के साथ रिसर्च की मैं उनको और हारो सुल्तान को एक ब्रैकेट में कैसे खड़ा कर सकता हूँ कौन सी उनके पास ऐसी स्पेशल इन्फॉमेशन थी जो हारो सुल्तान के पास नहीं आ सकती हर सुल्तान झूठे वाक़ात अपनी किताब में लिख सकता है सच्चे वाक़ात की तरफ नहीं जा सकता दैन आई आई हैव नो रीज़न टू डिफेंड द मैन स्वाद दुआ मैं जरूर करता हूँ कि जितने भी अल्लाह तला इनको ईमान दे मुझे क्यों खुशी होगी कि कोई आदमी दो में जाए नो रीज़न बट द अल्टी मल्टी ये फैसला उसने करना है और फैसला अगर उसका ये है कि मैंने इस दीन को ठीक नहीं मानना है इसको जानने के बावजूद आई एम सॉरी दैट्स हिज चॉइस लेकिन सर मेरा एक और क्वेश्चन भी हमारे पास स्ट्रीम में वो लोग भी आए हुए हैं, ने ने था। था, हैं। जो अपने मुंह से ये कह चुके थे कि हमें ये मालूम भी हो जाएगा ना कि इस्लाम सच्चा मजहब है और हमें हमारे सामने मेरिकल भी हो जाएंगे तब भी हम इस्लाम एक्सेप्ट नहीं करने वाले ऐसा भी लोगों का ईगो हमारे सामने आया है इसके अलावा मैं खुद इस चीज़ की गवाही देती हूँ कि हमारे पास जो है जैसे मैं जिस मजहब से आई हूँ वहां पे उनको पता था कि इस्लाम सच्चा मज़हब है और वो गलत दीन में है लेकिन सिर्फ ये कहते थे कि हम अपने पेरेंट्स के या हम अपनी कम्युनिटी को नहीं छोड़ सकते हम उनके जो है वो बाइकॉट नहीं बर्दाश्त कर सकते तो लोग सच्चाई देखने के बाद भी डिफरेंट रीजंस की वजह से इस्लाम एक्सेप्ट नहीं करते उस पर सबसे बड़ा जो होता है वो ईगो होता है उसके बाद जो जो है है वो अपने फैमिली और उसका जो करना पड़ता है। तो ये जो आप आर्ग्यूमेंट दे रहे हैं कि किसी को पता भी चल जाए वो जहन में क्यों जाएगा उसका रीजन कुछ बहुत सारी ये चीजें होती हैं जब तरह लेकिन तो देखिए इस्लाम में हमें तो नहीं नजर आती कि हम स्पेसिफिकली इस्लाम को चूज करें

जिन्होंने इस्लाम में कुछ अच्छा नज़र आया है वो मुसलमान हुए हैं आई डोंट थिंक यू कैन डू दैट आप उनसे पूछें आपको इस्लाम में क्या अच्छा नज़र आया आपको भी आ जाएगा इस्लाम को आप किस तरह से समझते हैं देर इज़ द मेन थिंग हजारों मज़हब का आइडिया हमारा नहीं है कि दुनिया में इतने ज़्यादा ये और हमारा आइडिया बड़ा सिंपल है कि लोगों ने अध्यन बना लिए लेकिन अल्लाह ताला की तरफ से एक ही दिन आया है जितने भी अध्यन हैं उनमें जितनी रिजेम्बलेंस पाई जाती है ये एविडेंस है इस चीज़ का कि एक ही पीछे से इनका सोर्स है हम ये कहते हैं कि इस्लाम प्योर फॉर्म में हमारे पास है ये बार ऑलमोस्ट हर स्ट्रीम में ये मैं बात में कहता हूँ कि क्रिश्चियंस के पास भी वही इस्लाम है जो हमारे पास है जीव के पास भी वही इस्लाम है जो हमारे पास है हिंदुओं के पास भी वही इस्लाम है जो हमारे पास है इवन वाइकिंग्स के उनके भी अगर आप नज़रियात ये बलह वगैरह का कॉन्सेप्ट जो है वो उनके पास भी वही इस्लाम है जो हमारे पास है दिए ओनली दी के वक्त के साथ साथ लोकल लोग लोकल लेवल पर लोगों ने उसके अंदर टेक्स्ट में स्क्रिप्चर में करप्शन करते रहे पावर गेन की की वजह से किसी भी वजह से पॉलिटिक्स की वजह से तो ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम वो इतना ज़्यादा ब्रांच आउट हो गया इतना दूर हो गया कि वो एक मजहबी इलीहदा से बन गया लेकिन डीप डाउन जाए अगर अब देखें ना अब सनातन धर्म में मिसाल के तौर पे हम देखते हैं कि ज़िक्र अगर हो एक ऐसे आखिरी नबी का एक ऐसे नबी का कि जिनको उनके मुल्क से निकाल दिया एक अभी प्रोफेसाइज अभी हो अभी ये नबी वसल्लम आए नहीं हैं, उनसे भी कितने टाइम पहले कि जिनके बारे में लिखा हो कि उनको उनके वतन से निकाल दिया जाएगा और वो शुमाल में जाएंगे और वह दस हज़ार लोगों के साथ वापस आएंगे और अपना वतन फ़ताह करेंगे डज दर इवन लुक कॉन्सिडेंस टू यू कि मक् से मदीना शुाल में है उनको वहाँ से निकाल दिया गया मक् बदर किया गया शहर बदर किया गया वो वापस आए दस हज़ार साहबा के साथ मक्का अदा किया हम अपने सनातनी बहन भाइयों से यही कहते हैं कि रीड इट जस्ट लुक हम यही कहते हैं कि अपना स्क्रिप्चर पढ़ें जिसमें लिखा हुआ है कि मूर्ति की पूजा नहीं करनी है एक अल्लाह की इबादत करनी है हम भी तो वही बात कहते हैं क्योंकि रिलीजन सब का एक ही है जो अल्लाह की तरफ से आया है हम सिर्फ ये कहते हैं कि लुक जितनी भी प्रोफेसीज़ हैं आपकी किताबों में जो हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में चीज़ें लिखी हुई हैं अल्लाह की तोहद के बारे में लिखी हुई हैं जस्ट पुट एवरी थिंग टुगेदर चीज़ मुझे लगती है ना, मतलब कि किसी भी गैर मुस्लिम को अगर इस्लाम की तरफ लाती है तो सर सॉरी आपको बुरा लगे लेकिन फिर जहन्म के हिसाब मुझे ज्यादा नजर आया इस्लाम के अंदर के अगर आप काफिर मरेंगे आप इस्लाम को जान के भी करेंगे तो सर मुझे तो बातों से से बातें बाते अच्छा, अच्छा, अब आप... जा, अब्दुल्ला बात ये है आ, नर्क का सनातन में भी है क्रिश्चियनिटी में भी है अगर सिर्फ दोजख से डर के लोग मुसलमान हो ना तो फिर वो सनातनी भी हो जाया करें वो नर्क बड़ी बुरी चीज है वो दोज ही है ना जो हेल का तसवर है वो भी ऐसा ही है वो भी बड़ी बुरी चीज़ है वो भी आग है उसमें भी ये सारी चीज़ें हैं तो अगर तो ये प्रॉब्लम होना कि सिर्फ दोजा का ही है तो दोजह का तसवर तो सब के पास है लोग किसी भी और तरफ जा सकते हैं लेकिन सबसे ज़्यादा लोग अगर इस्लाम में आते हैं तो उसकी वजह ये नहीं है उसकी वजह यह है कि इस्लाम आपको एक कोड ऑफ लाइफ देता है जिसमें जिस जिस एक है जिसमें सोसाइटी है जिसमें एक कलेक्टिविस्ट आइडिया ऑफ ह्यूमन एग्जिस्टेंस है जिसमें इसेंशलिज़म है जिसमें हम इसे ऑनटोलॉजिकली देखते हैं इट मेक सेंस टू पीपल इसके अंदर सुकून है जितने लोग होते हैं वो जब एक मजहब को छोड़ के इधर आते हैं दे रियलाइज के नाव वी आर कनेक्टेड टू समथिंग बेटर हमें वो महसूस आपको शायद ना होता हो इसलिए कि

हमें तो उसमें जो है वो वाक्यात भी दिखे नबिया अम्बिया कराम के जिससे कितनी कितनी हम लोगों को जो है वो जिंदगी जीने का सबक मिलता है हमें अल्लाह का अल्लाह की मोहब्बत भी दिखती है हमें रसूल वसल्लम के जो भी वाकयात थे वो नजर आते हैं तो पढ़ने वाला जो उसमें ढूंढ रहा है उसको वही नजर आएगा ना आप इनको डरा अल्लाह इनको डरा रहे तो ये डर ही जाए ना